बर्मिंघम में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने इतिहास रच दिया है। लवली चौबे, पिंकी नैनमोनी सोक्रिया और रूपा रानी टिर्की की भारतीय चौकड़ी ने गोल्ड मेडल अब अपने नाम कर लिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के 22वें एडिशन में भारत के अब कुल 10 मेडल हो गए हैं। आपको बता दें कि पहली बार है जब भारत ने लॉन बॉल में पदक जीता है। भारतीय टीम ने सोमवार को न्यूजीलैंड टीम को 16-13 से हरा करके अपनी फाइनल में जगह बना ली थी। भारतीय टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 17-0 से हरा करके गोल्ड मेडल जीत लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में लॉन बॉल साल 1930 की शुरुआती सीजन से ही खेला जा रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो उसने कॉमनवेल्थ गेम्स में लॉन बॉल में कभी भी मेडल नहीं जीता था, लेकिन अब इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत को इस खेल में मेडल मिल गया है और वो भी गोल्ड मेडल मिला है। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स के 92 साल के इतिहास में ये एक पहला मौका है जब भारतीय लॉन बॉल महिला टीम ने कोई मेडल अपने नाम किया हो। तो एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो कि बर्मिंघम में इस समय खेली जा रही है। भारत के अब कुल 10 मेडल हो गए हैं और लॉन बॉल में भारत को गोल्ड मेडल मिल गया है। फिलहाल इस बड़ी अपडेट में इतना ही। आप लगातार एबीपी लाइव के साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा।